नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकेड डिजाइनिंग में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉलिडवर्क्स में सर्कल और रेक्टेंगल किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं स्केचिंग में। तो सॉलिडवर्क्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे होम पे क्लिक कीजिए और हम यहाँ पे न्यू पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो पार्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे पार्ट ड्रॉ करने के लिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले ड्रॉइंग स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आपका यूनिट यहाँ से सेट कर लीजिए। मेक श्योर कि आपका डिफ़ॉल्ट यूनिट यहाँ पे शो हो रहा है, वो करेक्टली है या नहीं। उसके बाद हमें यहाँ से प्लेन सिलेक्ट करना है। आपको जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसे सिलेक्ट कीजिए और स्केच पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपका सिलेक्टेड प्लेन जो है वो प्रिपेयर हो जाए स्केचिंग के लिए। उसके बाद स्केच टैब अपने आप यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम देखेंगे सर्कल कमांड। तो जैसे ही सर्कल को ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्कल एक सिमिलर है, यानी कि सेंटर पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है पैरामेट्रिक सर्कल। तो फर्स्ट हम सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट पूछेगा हमें कि सेंटर पॉइंट यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे दो टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे थ्री पॉइंट सर्कल यानी कि पैरामेट्रिक सर्कल। तो फर्स्ट हम सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्कल को यहाँ से प्लेस कर देते हैं। और स्मार्ट डायमेंशन के साथ हम यहाँ पे इसका डायमीटर मेंशन करेंगे। जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसी यूनिट में आप इस सर्कल को डायमेंशन दे दीजिए। तो इस प्रकार से सेंटर पॉइंट से हम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट लाइन से मैं स्केच बना लेता हूँ। और अब हम सेकंड टाइप देखेंगे सर्कल का, पैरामेट्रिक सर्कल। और पैरामेट्रिक के लिए हम यहाँ पे लाइन के टेंजेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे सेट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये जो सर्कल है इस तीन लाइन को यहाँ पे टेंजेंट बन के यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे देखिए जो इसके रिलेशन है, टेंजेंट यहाँ पे, टेंजेंट और यहाँ पे, टेंजेंट के साथ ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हालाँकि अगर हमने इसे डायमेंशन देने की कोशिश की तो ये फिक्स डायमेंशन में ही रहेगा, क्योंकि जैसे हम डायमेंशन इसे बढ़ा देंगे यानी कि 40 करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन वर्क है वो भी इसके स्केल के साथ ही यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन इसका यहाँ पे फिक्स किया है। तो इस प्रकार से आप सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने इसे डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन का यूज़ किया था। आप करंटली जहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं उसी टाइम पे आप डायमेंशन इनपुट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी एक चीज़ की। ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ पे सिस्टम ऑप्शन में हमें स्केच में आना है। और स्केच में आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे देगा, अनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिकल इनपुट ऑन एंटिटी क्रिएशन। तो इसे हमें चेक करना है। इसका मतलब ये है कि जब हम एंटिटी क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम पे हमें न्यूमेरिकल इनपुट मिल जाएगा जहाँ पे हम डायमेंशन एंटर कर पाए। और सेकेंड ऑप्शन इसका आता है कि क्रिएट डायमेंशन ओनली वेन वैल्यू इज एंटर्ड। इसका मतलब ये है कि हमने जब यहाँ पे वैल्यू एंटर के साथ एंटिटी बनाई है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डायमेंशन बन के आना चाहिए। हमें चाहिए तो इसे चेक कीजिए, अगर डायमेंशन नहीं चाहिए तो इसे अनचेक कीजिए। तो इसे चेक ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें डायमेंशन इनपुट करने के बाद यहाँ पे उसका डायमेंशन आना ज़रूरी है। तो इसे कर देते ओके। इस सेटिंग को करने के बाद हम लेते हैं फिर से सर्कल और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट। अब देखिए जहाँ पे हम सेकंड पॉइंट सिलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे हमें एक डायमेंशन यहाँ पे पूछ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप सेकंड पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट वैल्यू भी दे सकते हैं 50 डायमीटर। तो इस प्रकार से देखिए 50 यूनिट डालने के बाद तुरंत हमारा डायमेंशन जो है यहाँ पे आ चुका है। तो एंटिटी बनाने के बाद फिर से डायमेंशन स्मार्ट डायमेंशन टूल देने के बाद इसे डायमेंशन दे दो, डायमेंशन सेट करते बैठो, ऐसे यहाँ पे कोई झंझट नहीं बचेगी। डायरेक्टली आप डायमेंशन यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। तो ये था सर्कल कमांड। इन सबको सेट करके कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेक्टेंगल। यहाँ पे रेक्टेंगल के पांच टाइप है, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और पैरालेलोग्राम। तो सबसे पहले हम कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल इस प्रकार से होता है कि फर्स्ट पॉइंट और स्पेसिफिक सेकंड पॉइंट।
तो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल इनपुट डायरेक्टली ऑन रखा है, तो डायरेक्टली आप चाहे तो सेकंड पॉइंट इसे मेंशन कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे हाइट मेंशन करेंगे 50 यूनिट और 70 यूनिट लेंथ मेंशन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डायमेंशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसे ड्रॉप डाउन करेंगे और सेकेंड ऑप्शन है सेंटर रेक्टेंगल। इसमें अभी रेक्टेंगल जो ड्रॉ होगा वो सेंटर से ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर ड्रॉ किया था, फर्स्ट कॉर्नर और सेकेंड कॉर्नर, लेकिन इसमें हमें सेंटर पॉइंट लेना है। तो रेक्टेंगल हमारा इस प्रकार से ड्रॉ होने लगेगा। आप चाहिए तो राइट अप कॉर्नर लीजिए या फिर राइट डाउन कॉर्नर लीजिए, लेफ्ट ड्रॉ डाउन कॉर्नर लीजिए या फिर लेफ्ट अप कॉर्नर लीजिए, कौन सी भी डायमेंशन के लिए हम कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मैं कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेंटर रेक्टेंगल के लिए स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट और जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट हमें प्लेस करना है। तो इस प्रकार से सेंटर रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर से ड्रॉप डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल इसे कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें कॉर्नर रेक्टेंगल तो हमने लिया था 2 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट आता है। कैसे वर्क करता है देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम कॉर्नर का सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे एंगल पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल के टाइप्स हमें शो हो रहे हैं, ये कॉर्नर रेक्टेंगल था, ये सेंटर रेक्टेंगल, ये 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल जो हम यहाँ पे करंटली देख रहे हैं। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक एंगल देना पड़ेगा इस प्रकार से, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का अगर ट्रैकिंग है आपके पास तो ट्रैक लीजिए, या फिर स्पेसिफिक डिग्री चाहिए तो मेंशन कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में, अन्यथा इस डायरेक्शन में हमें यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करने मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसे प्लेस कर देते हैं। तो ये था 3 पॉइंट रेक्टेंगल जो है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। स्पेसिफिक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फिर एंगल दीजिए और यहाँ से इसे इस प्रकार से प्लेस कर दीजिए। दैट्स इट। फिर एक बार ड्रॉप डाउन कर लेते हैं और लेते हैं 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। ये भी उसी प्रकार से काम करेगा जब हमने लिया था सेंटर रेक्टेंगल, लेकिन ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली स्ट्रेट था, लेकिन इसमें भी हमें एंगल मेंशन करना है। तो सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी कि क्लिक करेंगे सेंटर पॉइंट, उसके बाद एक्सिस लेंगे जो भी हमें डिग्री है या फिर स्पेसिफिक स्नैप ट्रैकिंग पे होगा उसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें इस प्रकार से इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में रेक्टेंगल को इस प्रकार से प्लेस करना है। तो अगर इसके डायमेंशन अगर हमने मेंशन की है तो यहाँ पे देखिए सेंटर से इस डायरेक्शन का और सेंटर से इस एक्सिस का हमें डायमेंशन यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे 40 यूनिट ले लिया और यहाँ से हमें 50 यूनिट लेना है। यहाँ पे देखिए हमने इस सेंटर से 40 लिया था तो टोटल 80 हो गया, और इस सेंटर से हमने 50 लिया था तो टोटल 100 यूनिट यहाँ पे बन चुका है। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं और इसके डायमेंशन प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पैरेललोग्राम। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो पैरेललोग्राम है वो इस प्रकार से काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट हम कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड हम एक्सिस के लिए सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमने जब इसे ड्रॉ किया था तो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि ये जो हमने एक्सिस लिया था उससे 90 डिग्री के साथ ही ये ड्रॉ होता था, लेकिन पैरेललोग्राम जो है वो किसी भी एंगल में यानी कि पूरी 360 डिग्री में ये ड्रॉ होने लगेगा। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से ड्रॉ कीजिए, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसके जो साइड्स है वो एक दूसरे को हमेशा पैरेलल ही रहेंगे। इनका रिलेशन देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो स्पेसिफिक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फिर हमें एक्सिस लेना है एंगल में, और किसी भी दूसरे पॉइंट के लिए हम किसी भी एंगल को यहाँ पे सेट करेंगे। तो हर एक फेस टू फेस साइज जो है साइड इसकी वो यहाँ पे पैरेलल ही ईच टू अदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से पैरेललोग्राम जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स थे रेक्टेंगल के। आई होप कि सारे रेक्टेंगल के टाइप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सर्कल किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, सर्कल कमांड जो सेंटर जो 2 पॉइंट सर्कल था सेंटर से मेंशन करके हम डायरेक्टली डायमेंशन भी दे सकते हैं। पैरामेट्रिक सर्कल हमने देखा, उसके बाद रेक्टेंगल के टाइप हमने देखे,
पांच टाइप हमने देखे थे, कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल। तो इसके मदद से हम किसी भी स्केच में हमें जब रिक्वायर्ड हो कोई भी रेक्टेंगल या फिर सर्कल तो हम इजीली ड्रॉ कर सकेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।